देहरादून सुबह के करीब 5 बज रहे हैं। एक प्यारा सा भजन मधुर सी आवाज में पूरे घर को आनंदित कर रहा है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ये है इस कहानी की हीरोइन स्नेहा। उम्र 18 साल, अपने माँ आरती शर्मा और पिता सुरेश शर्मा जी के साथ रहती है। सुरेश जी जो एक सरकारी विभाग में जूनियर अधिकारी पद पर कार्यरत है, वह एक ईमानदार एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। आरती जी हाउसवाइफ हैं। दोनों की जान अपनी प्यारी सी राजकुमारी में बसती है। इनके पूरे घर की रौनक स्नेहा से है। सुबह की आरती से लेकर रात की ढेरों बातें तीनों साथ करते हैं। सुरेश जी जिन्होंने अपनी लाडली को कभी किसी बात के लिए भी नहीं रोका, जो कुछ भी स्नेहा ने करना चाहा, उसमें मंजूरी दी, हमेशा स्नेहा को जिंदगी में कुछ कर दिखाने को मोटिवेट किया। स्नेहा अपने स्कूल से ही टॉपर रही थी। पढ़ाई, सिंगिंग और डांसिंग में तो स्नेहा का जवाब नहीं था। हर स्कूल कंपटीशन में फर्स्ट आती थी। परंतु स्नेहा की माँ आरती जी को अपनी बेटी की हमेशा चिंता सताती रहती थी। अरे भाई, आखिर चिंता हो भी क्यों ना? स्नेहा जो इतनी खूबसूरत मानो किसी गुड़िया में जान डाल दी हो, बड़ी बड़ी ब्राउन आईज, पलके इतनी गहरी मानो आंखें बंद होने पर छाया कर रही हो, होठ बिल्कुल चेरी की तरह रेड हार्ट शेप्ड, सुंदर सा छोटा प्यारा चेहरा जिसमें मासूमियत सवार, लंबे घने कमर तक आते बाल जिसपे कोरियन हेयर स्टाइल कराया हुआ, माथे पर आते बाल 5 फीट 5 इंच की लंबाई। अब इतनी खूबसूरत लड़की हो तो माँ को चिंता तो रहेगी ही। इसी कारण आरती जी हमेशा स्नेहा को चेहरा स्कार्फ से ढकने को कहती थी जब भी स्कूल या घर से बाहर जाए। पर स्नेहा जो अपनी माँ का कहना हमेशा मानती तो है, पर पूरी तरह नहीं। वो ऐसे कि जब स्नेहा को मिलता है अपनी बेस्ट फ्रेंड, जो फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की बेस्ट फ्रेंड है, उसका साथ तो भूल जाती है माँ की हर बात। प्रिया अग्रवाल, स्नेहा की बेस्ट फ्रेंड, जो दोस्त से ज्यादा स्नेहा को अपनी बहन मानती है, पर बेहद शर्मीली, बात बात पर रो जाने वाली लड़की। इनके पास हमेशा नमकीन पानी की टंकी है, जो खुलने को हमेशा तैयार रहती है। स्कूल में हमेशा इनकी मदद के लिए हमारी शेरनी स्नेहा रहती थी। स्नेहा को कराटे का ABC भी नहीं पता, लेकिन धमकी में सबको इसी की देती है। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है जैसे बसंती और धन्नो, बिना बातें शेयर करे दिन पूरा न हो। प्रिया का परिवार भी देहरादून में रहता है। घर में माँ कविता, पापा हेमंत और एक छोटा भाई यश, जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ता है। प्रिया के तरह स्नेहा भी यश को अपना छोटा भाई मानती है, जिसको हर रक्षाबंधन में खुद राखी भी बांधती है ताकि उसकी रक्षा कर सके। अरे भाई, बड़े लोग छोटों की रक्षा करते हैं, ये मानना है हमारी स्नेहा का। इतनी सारी खूबियों की मालकिन स्नेहा, जिनकी मुस्कान पर दुकानदार भी खुशी खुशी डिस्काउंट दे दे। इनकी बस एक कमी है कि भाई अपने सामने गलत होते हुए नहीं देख सकती, सच के लिए आवाज उठाने से भी नहीं डरती, अगर ये सही है तो कभी नहीं झुकती। इन्हें रोना या रुलाना दोनों नहीं पसंद, खास तौर से अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया के आंसू। इन्हीं कारणों से इनका नाम झांसी की रानी भी है। रात को 10 बजे हमेशा सोने वाली स्नेहा की नींद आज गायब है। टेंशन में अपनी उंगलियां चबा रही है, अपने आंखें लैपटॉप के सामने गड़ा के अपना लिस्ट में नाम ढूंढ रही है। आरती जी ने कहा, बेटा आप परेशान न हो, सुबह सुबह पूजा करके अपना रिजल्ट देख लेना, आपके मार्क्स तो अच्छे ही है, जरूर नाम होगा, या फिर अपना रोल नंबर डालो। स्नेहा ने कहा, माँ आप जानती तो है कि जब तक एक टेंशन भी मेरे दिमाग में सवार हुई तो मेरी नींद की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वो मैं नहीं कर सकती हूँ, आप तो जानती हो ना मुझे, मेरी नींद कितनी प्यारी है। इतनी मुश्किल से 10 बजने के बाद भी किसी तरह खुद को जाग के रखा है जैसे तैसे। उसी समय सुरेश जी को अपनी राजकुमारी का नाम दिखा फ्लैश होते हुए। स्नेहा शर्मा,
सिलेक्टेड स्कॉलरशिप ग्रांटेड इनका नाम अलग लिस्ट जो टॉपर्स की थी उसमें था। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई के सफर में इनका पहला चरण जो अब शुरू होने जा रहा था। सुरेश जी ने अपनी राजकुमारी को गले से लगा लिया, जिस कॉलेज की मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए 90% से भी ऊपर के मार्क्स चाहिए होते हैं, उसी कॉलेज में स्कॉलरशिप लिस्ट नाम आना, वो भी टॉपर्स में, बड़े सम्मान की बात होती है। आरती जी के आंसू तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। माँ, मेरी बेडशीट आज ही तो बिछाई, आपने देखिए गंगा यमुना का मिलन यहाँ से हो रहा है। पापा, अब हम सरस्वती कहाँ से लाए। दोनों बाप बेटी हाई फाइव देकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। आरती जी एक चपत लगाते हुए, बहुत बदमाश हो गई हो आजकल, इसी के साथ सब खिल खिलाकर हंसने लगते हैं। अरे नहीं, स्नेहा को याद आया, प्रिया का नाम को देखना भूल गई, उसने तो मुझ पर छोड़ रखा है। सुरेश जी, जिन्हें अपनी बेटी का स्वभाव पता था, उन्होंने तुरंत प्रिया अग्रवाल का नाम भी दोनों माँ बेटी के आगे रख दिया। यस, ये हुई ना बात, हमारी दोस्ती अब कॉलेज में भी रहेगी, सेम कॉलेज सेम सिटी, आज तो मजा आ गया। आरती जी ने कहा, बेटा अभी आप सो जाओ, कल सुबह प्रिया के घर जाके उसे बता देना, रात के 11 बज गए हैं। 11 बज गए। तुरंत लैपटॉप टेबल के एक तरफ पटक दिया जाता है। माँ पापा को गुड नाइट कहकर स्नेहा तुरंत बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ 5 मिनट ही गुजरा होगा कि स्नेहा गहरी नींद में चली गई। आरती जी ने कहा, हे प्रभु, क्या होगा इस लड़की का जिसे अपनी नींद किसी भी हाल में पूरा करना होता है, फिर चाहे नहीं आए या तूफान। आरती जी थोड़ा परेशान होकर सुरेश जी से कहती है, कैसे रहेगी हमारी बच्ची इतनी दूर अकेले अनजान शहर में, मुझे तो हर पल इसकी चिंता रहेगी। सुरेश जी अपनी पत्नी को शांत करते हुए कहते हैं, हमारी राजकुमारी धीरे धीरे सब सीख जाएगी, इसके ख्वाब बड़े हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए, बच्चे के पंखों को उड़ना भरने दो, और तुम भूल क्यों गई, प्रिया और स्नेहा साथ जाएगी, दोनों एक साथ सब मैनेज कर लेंगी। पर आरती जी कुछ कहने को हुई, सुरेश जी ने शांत करा दिया और अपने कमरे में सोने चले गए। आखिर कैसा होगा स्नेहा का आगे का सफर, अपनी आंखों में ख्वाब लिए क्या बड़े शहर में कर पाएगी एडजस्ट। कहानी अगर पसंद आए तो रिव्यू जरूर दे, लाइक एंड फॉलो करें, और पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी, जब मिले हम तुम।